मजे मजे मजे। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। तो आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, अलसी की पिनिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी, आधा किलो अलसी, 1 कप भर के आटा। और यहाँ पे नट्स लिए हैं, आप जितने मर्जी चाहें ले लें, ऐड करें ना डालें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़ी पेसियाँ जो हैं गुड़ की। तो ये मैंने 2 चीज़ें बनानी है, तो 2 काफ़ी होंगी आधे किलो के लिए। तो सबसे पहले मैं इनका शीरा बनाऊंगी थोड़ा सा पानी डाल के, और बाकी जो रोस्ट करने वाली चीज़ें हैं इन सबको रोस्ट करूंगी। और घी इसमें मैं आपको बहुत थोड़ा यूज़ करके दिखाऊंगी। हम बना रहे हैं फुल प्रोटीन, फुल हेल्दी लाइफ के लिए, मतलब हेल्दी के लिए, लेकिन इसमें हम बहुत कम कोशिश करेंगे कि हम फैट्स डालें। तो आइए सबसे पहले हम इन चीज़ों को रोस्ट करते हैं। ये मैंने इलायचियाँ ली है कुछ, तो मैं ये 1 गिलास पानी मैंने फुल डाल के इसके अंदर छोड़ दिया और चाट बना दी है। चाट अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो गुड़ के अंदर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से लाइट भी ठीक नहीं आ रही, लाइट बस आने वाली है। ये देखो ये रोस्ट हो चुका है। इसी तरह मैं सब चीज़ों को आस्ते आस्ते रोस्ट करूँगी। ये चारों मगज़ और तिल के अलावा मैं सब चीज़ों को ग्राइंड करूँगी। जैसे ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, सबको मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखें ये टिक 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 टिक, जब इसकी साउंड आना शुरू हो जाए ना, तो आपने इसको भूनना बंद कर देना है। पॉपी सीड भी थे, फुलू खाने भी थे, थोड़े से मैंने ये भी इसमें ऐड किए हैं। ये देखें जी, ये सब नट्स वगैरह भी मैंने, ये अलसी जो पाउडर पीसी है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैं इनको कुक करूँगी थोड़ा सा। तो ये देखें, बस 1 चम्मच देसी घी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और पहले आटे को भूनेंगे। शीरा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैं अब जो मैंने 1 कप भर के, प्याली भर के आटा लिया था वो मैं डालूंगी। ये मैंने आटा लिया है मल्टीग्रेन, आप जो मर्जी डालना चाहें डालें ना डालें, ऑप्शनल है। सूजी ज़्यादा डाल लें तो थोड़ा सा ये भून के, सूजी भी मैंने ऑलरेडी पहले भून ली है, तो सूजी भी साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। तो ये देखें अब हम ये इसके अंदर सारे ये मेज़र डाल देंगे जो अलसी का है। आज अम्मा जी मेरे पास आई हुई हैं, इसी खुशी में हमने कहा हम बनाए अलसी के लड्डू। और अब हम इसके अंदर शीरा डाल देंगे। नहीं नहीं थोड़ा डालेंगे, थोड़ा उसके लिए भी डालना, और इसको थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, ये इस तरह हमारा बनना शुरू हो गया। इसको अब गरम गरम ही इसकी शेप देनी है, जो भी देनी है। ठंडा हो जाए तो आप फौरन थोड़ा चूल्हा चलाएं, दोबारा गर्म कर लें, कोई मसला नहीं है, माइक्रो चला लें। तो इस तरह ये बन चुका है, तो अब हम इसके बटेंगे, लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार से अलसी के लड्डू हैं। ये आप किसी को गिफ्ट भेजें, ऐसे भेजें, पैक करके फ्रिज में रख दें, कोई मसला नहीं, काफ़ी देर चलेंगे। काफ़ी सारे लड्डू बने हैं देखें इसी क्वांटिटी के साथ। ये देखें इस तरह यहाँ पे भी बहुत सारे, मतलब मैंने सेव किए हैं। तो इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और मेरे पेज को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।